इस विशाल ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों की संख्या में उल्कापिंड यानी एस्टेरॉयड घूम रहे हैं, जो किसी न किसी ग्रह की तरफ बढ़ते हैं और उनसे टकरा जाते हैं। हालांकि सौर मंडल में जुपिटर ग्रह के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ज्यादातर एस्टेरॉयड धरती की तरफ ना आकर उसके वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ एस्टेरॉयड इतने ढीठ होते हैं कि घूमते फिरते धरती के बेहद समीप आ जाते हैं और उनके धरती से टकराने का खतरा काफी बढ़ जाता है। ऐसा ही एक एस्टेरॉयड 21 मार्च 2021 को धरती के बेहद नजदीक से होकर गुजरेगा, जिससे जुड़ी जानकारी नासा ने शेयर की है। तो आइए जानते हैं इस एस्टेरॉयड के बारे में। 231937-2001-FO-32 21 मार्च 2021 को धरती के बेहद करीब से गुजरने वाले एस्टेरॉयड को 231937-2000-FO-32 नाम दिया गया है, जो आकार में न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 3 गुना बड़ा है। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये विशालकाय एस्टेरॉयड तकरीबन 34.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारे सोलर सिस्टम में घूम रहा है, जो 21 मार्च को पृथ्वी से 2 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजर सकता है। अगर आप धरती से इस एस्टेरॉयड को देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 8 या उससे बड़े डायमीटर वाले टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना होगा। ये एस्टेरॉयड सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच आसमान से गुजरता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इस मौके को मिस ना करें। 2001 FO-32 नामक इस एस्टेरॉयड की खोज 23 मार्च 2001 में की गई थी, जिसे नासा के अपोलो एस्टेरॉयड ग्रुप के तहत क्लासिफाई किया गया था। नासा के वैज्ञानिकों की माने तो ये एस्टेरॉयड 22 फरवरी को पृथ्वी के सबसे करीब हो सकता है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है। 2001 FO-32 की गति इतनी ज्यादा है कि वह मात्र 1 घंटे में पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा सकता है। हालांकि इसके धरती से टकराने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2001 FO-32 से पृथ्वी को कोई संभावित खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा सा भी उसकी दिशा में परिवर्तन सब कुछ बदल सकता है। वर्तमान में नासा ने इस एस्टेरॉयड को धरती के सबसे निकटतम मौजूद ऑब्जेक्ट के रूप में वर्णित किया है, जो किसी न किसी रूप में धरती वासियों के लिए खतरनाक हो सकता है। लिहाजा नासा के वैज्ञानिक लगातार इस एस्टेरॉयड की गति और दिशा पर नजर बनाए हुए हैं। क्या होते हैं उल्कापिंड? एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह छोटे या एक निश्चित आकार के ठोस पदार्थ होते हैं, जो आमतौर पर धूल, मिट्टी और विभिन्न चट्टानों से बने होते हैं और सौरमंडल में लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। अपनी इसी यात्रा के दौरान एस्टेरॉयड विभिन्न ग्रहों के बेहद समीप से होकर गुजरते हैं। ऐसे में अगर संबंधित ग्रह का गुरुत्वाकर्षण तेज होता है, तो एस्टेरॉयड उस ग्रह की तरफ खींचे चले जाते हैं। हमारे सौरमंडल में धरती के अलावा जुपिटर ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से ढेर सारे एस्टेरॉयड उसी के वातावरण की तरफ खींचे चले जाते हैं। जब कोई एस्टेरॉयड धरती के बेहद समीप से होकर गुजरता है, तो वैज्ञानिकों को इसी बात का डर रहता है कि कहीं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी तरफ न खींचने लगे, क्योंकि ऐसा होने पर एस्टेरॉयड तेज गति से धरती के वातावरण में प्रवेश करेगा और उसके किसी हिस्से से टकरा जाएगा। हालांकि ज्यादातर मामलों में छोटे एस्टेरॉयड धरती के वातावरण में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन बड़े आकार के एस्टेरॉयड्स का पृथ्वी से टकराने का भय ज्यादा रहता है। धरती से टकरा सकते हैं 900 से ज्यादा एस्टेरॉयड। भले ही बीते सालों में कोई भी विशालकाय एस्टेरॉयड धरती से नहीं टकराया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खतरा पूरी तरह से टल गया है। दरअसल यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये खुलासा किया है कि आने वाले 100 साल में पृथ्वी से कम 900 एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना है। ऐसे में अगर एक छोटा सा एस्टेरॉयड भी धरती से टकराता है, तो वह इंसानी दुनिया में भारी तबाही मचा सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक धरती को एस्टेरॉयड के हमले से बचाने की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में घूम रहे एस्टेरॉयड में से उन उल्कापिंडों की खोज की है, जो आकार में लगभग 1 किलोमीटर चौड़े हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतनी या इससे बड़े आकार वाले एस्टेरॉयड ही धरती को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा उनकी गति और दिशा पर नजर रखना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि रूस के चेलियाबिंस्क शहर से 20 मीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड टकराया था, जिससे निकली ऊर्जा की रफ्तार 0.5 मेगाटन TNT के बराबर थी। वहीं जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए थे, तो उससे निकली ऊर्जा शक्ति की गति
15 किलोटन TNT के बराबर थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक छोटे आकार का एस्टेरॉयड धरती पर परमाणु बम जितनी ऊर्जा छोड़ सकता है, जिससे बेहद खतरनाक तबाही हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।